for the rest of the time to our national press, national general secretary, Sri Tarun Jha. So I give you the time. मेरा नाम तरुण चुग है और मैं मूल पंजाब का रहने वाला हूं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के नाते मेरे पास जिम्मेवारी है। बहुत सुंदर घने जंगल, घने झरने और नेचर से भरा हुआ नागालैंड में मैं आया हूं। यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है, नेचुरल ब्यूटी है, जो नेचर है यहाँ का, लोगों से मिला हूं, बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे नेता हैं, वो अक्सर कहते हैं कि भारत की तरक्की का रास्ता नॉर्थ ईस्ट की तरक्की से है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट की तरक्की बहुत जरूरी है। और हमारी पार्टी का जो सोच है वो नॉर्थ ईस्ट के जंगल, जल और जवानी, 3J, यहाँ का जंगल, यहाँ की जवानी, यहाँ का जल, यहाँ के लोगों के काम आ सके, यहाँ विकास हो सके। क्योंकि एक आमतौर पर कहावत है कि पहाड़ के क्षेत्र की जवानी और पहाड़ के क्षेत्र का जल दोनों पहाड़ के काम नहीं आता है, नीचे बह जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी से पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने पहली बार नॉर्थ ईस्ट एक मिनिस्ट्री का गठन किया था। ये बीजेपी की सोच थी कि देश की आजादी के 50 साल बाद नॉर्थ ईस्ट का पूर्ण विकास हो सके, उसके लिए एक मिनिस्ट्री बनाई अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, एक मंत्री को नियुक्त किया। और जब हम 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई तो हमने उस मिनिस्ट्री के माध्यम से यहां विकास हो, नॉर्थ ईस्ट की समृद्धि हो, यहां का नौजवानों को रोजगार मिल सके, एजुकेशन मिल सके, स्किलिंग मिल सके, यहां का पानी, बिजली बनाने के काम आ सके, विकास के काम आ सके, उस पर बहुत बड़ा काम किया। मैं डाटा आपसे शेयर करूं तो बहुत बड़ा अमाउंट नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए लगाया है और विशेष रूप से नागालैंड को ध्यान में रखते हुए यहां पर पुल्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, इन सब पर हमारी सरकार ने खास ध्यान दिया। यहाँ के लोगों को अपलिफ्ट करना है, उसके लिए यहाँ उज्ज्वला के माध्यम से घरों में रसोई गैस पहुँचाना ताकि लोग लकड़ी या पत्ते ना जलाएं। गांव के छोटे से क्षेत्र में भी उज्ज्वला के गैस सिलेंडर पहुँचे, टॉयलेट्स बनाने का काम बहुत बड़े स्तर पर हुआ, बैंकिंग से लोगों को जोड़ने का काम, जीरो बैलेंस अकाउंट खोलकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनधन के माध्यम से उसको शुरू किया है।
पहली बार यहां पर मेडिकल इंश्योरेंस 5 लाख रुपए की वो लोगों को मिलनी शुरू हुई है, और मैंने यहां पता भी किया लोगों को उसका बेनिफिट भी हुआ, केवल इंश्योरेंस ही नहीं हुई है, इंश्योरेंस बेनिफिट लोगों ने लिया है। अगर मैं नागालैंड की बात करूं तो नागालैंड की सोशल रिस्पेक्ट के लिए यहां वुमेन्स को बहुत सम्मान दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने नागालैंड से पहली महिला राज्यसभा सदस्य उनको भी लिया है, एक मैसेज दिया है कि भारतीय जनता पार्टी नागा बेटों का भी सम्मान करती है, नागा बेटियों का भी सम्मान करती है। नागालैंड और पूर्व उत्तर दोनों के विकास के लिए एक मास्टर प्लान पर पार्टी काम कर रही है, हमारी सरकार काम कर रही है। कल भी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए थे और यहाँ के लीडरशिप के साथ भी मिलके गए, और हर बार उन्होंने यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के छोटे से गांव में रूरल डेवलपमेंट फंड पहुँचे, अगर आप उसकी गिनती करेंगे तो RDF आज तक जितना गया है और 2014 से लेकर पिछले 8 वर्षों में सबसे ज़्यादा RDF यहाँ पहुँचा है। अर्बन सिटीज़ का विकास हो उसके लिए सीवरेज वाटर सप्लाई उस पर खास ध्यान दिया है। अभी प्रधानमंत्री जी ने पूरा जोर जल से नल, नल से जल उस योजना को कि गांव के पहाड़ पर बैठे भी एक अगर झोंपड़ी है तो उसके पास नल से जल पहुंचे, उसके लिए पूरे देश में काम शुरू किया है और यहाँ भी काम शुरू हुआ है, जल्दी ही उसके परिणाम दिखने शुरू होंगे। एक गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उसके घर में रसोई गैस पहुँचे, उसके घर में वॉशरूम पहुँचे, उसके घर में पीने के पानी का टैप पहुँचे, उसके घर में फ्री अनाज जो प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत वहाँ पहुँचे उसकी योजना बनाई है। फार्मिंग सेक्टर आप देखिए, आज पिछले 8 वर्षों में नागालैंड का फार्मिंग सेक्टर एक उसमें ह्यूज डेवलपमेंट हुई है। अब चाहे वो ड्रैगन फूड हो, चाहे अन्य फ्रूट्स हों, ड्राइड फ्रूट्स हों, मसाले हों, उनका दाम भी मिलना शुरू हुआ है, उसकी उपज भी बढ़ी है। फार्मिंग सेक्टर में हजारों किसानों को सम्मान निधि के माध्यम से पैसा भी आ रहा है, और देश में 11 करोड़ फार्मर्स को सम्मान निधि का पैसा दिया जा रहा है। मेरा यहां प्रवास भारतीय जनता पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए है, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ मजबूत हो, हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा हो, देश की तरक्की के लिए वो काम करे, उसकी योजना के तहत मैं आया हूँ। और मैं 3 दिन यहाँ पार्टी के अलग अलग जिलों में जाकर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करूँगा, लेकिन 3 दिन क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, मैं से ज़्यादा नीचे के यूनिट से मिलना, उनसे यहाँ की चीज़ों को समझना, यही मेरा टारगेट है। और मेरे को पूरा यकीन है जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, जो एजेंडा लेके वो काम कर रहे हैं, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने का, गरीबी मुक्त भारत करने का, गरीबी मुक्त भारत होगा तो भारत आगे बढ़ पाएगा, तरक्की वाला भारत बन पाएगा, शक्तिशाली भारत बन पाएगा। और उनका स्पष्ट कहना है कि शक्तिशाली भारत बनने के लिए
रास्ता शक्ति का पूर्व उत्तर से होकर जाता है और पूर्व उत्तर से देश को विकास की नई गाथा लिखनी है, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां विकास बहुत कम हो पाया, लेकिन जब से हम सत्ता में आए हैं हमने हर साल का एक टारगेट लिया है, हर साल विकास की नई गाथा लिखी है और निश्चित रूप से श्री नरेंद्र मोदी जी का जो दूसरा काल पहले काल की तरह ही एक सक्सेसफुल डेवलपमेंट ईयर के रूप में देखा जाएगा। माय रिक्वेस्ट टू दी विजिटिंग जनरल सेक्रेटरी काइंडली स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज़ व्हाटएवर यू हैव सेड हैज द डेंजर ऑफ बीइंग लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। आई मीन आई बेग माय अपोलॉजी प्लीज। आई विल The government of Shri Narendra Modi ji. I have one question. When the next question, you can answer in English. मैं प्रयास करूँगा, I will try. Besides, you have spoken about the intention, the purpose behind your visit here. Right? What are the other stuff you are looking for? Because we are no election is. State elections are now. What is the strategy, and what kind of strategy, and what kind of work, and what you will be working on with the party and your alliance partners? Bharatiya Janata Party nationally, we targeted to strengthen BJP on every booth from Kashmir to Kanyakumari. In this project, BJP All India leaders move to every state, meet to every state unit, go to every mandal and booth to strengthen BJP on every booth. In this project, I am here for 3 days to visit Nagaland and meet BJP leaders of state, district, mandal and booth. Agenda of my visit is only strengthen to party. Our morchas, 7 morchas, youth, mahila, kisan, scheduled tribe, scheduled caste, every morcha go to every booth. Our national president Shri JP Nadda ji's slogan, Sangathan Ve Seva. In Corona, we serve as a voluntary organization, like a BJP workers are work like a volunteers. Our Prime Minister Shri Narendra Modi ji lead to nation एक महामारी के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, एक ऐसी महामारी जिसमें पूरा विश्व चरमरा चुका था और भारत एक ऐसा देश है जहां करोड़ों टीके फ्री लगाए गए, देश के हर नागरिक को 2 इंजेक्शन लगने के बाद बूस्टर डोज भी फ्री लगाई गई है और कोरोना महामारी में भारतीय जनता पार्टी ने एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका अदा की है, चाहे उसमें किसी के घर में भोजन पहुंचाने की बात हो
किसी को उसके घर में पहुंचाने की बात हो, मेडिसिन पहुंचाने की बात हो या ऑक्सीजन पहुंचाने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी सेवा को अपना ध्येय मानकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की लीडरशिप में काम कर रही थी। और हमारी पार्टी का स्ट्रेंथन एवरी बूथ तक हो ताकि हम देश को और सेवा कर सके, इसके लिए ये सारा हम काम कर रहे हैं। ऐसा है कि चुनाव अभी समय आने वाला है, चुनाव के निर्णय लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की चुनाव समिति इन पर निर्णय लेती है और निश्चित रूप से इस पर भी निर्णय लेगी। अकॉर्डिंग टू सर, इलेक्शन कमिटी इज देयर इन नेशनल बीजेपी एंड दे विल डिसाइड फॉर द सिक्स शेड्यूल। इन माई पार्टी, हमारी पार्टी जो है वहाँ कोई व्यक्ति निर्णय नहीं लेता, वहाँ पार्टी की चुनाव समिति निर्णय लेती है और वो समय पर निर्णय लेगी। अभी हमारा उनके साथ गठबंधन है और हम गठबंधन से सरकार चला रहे हैं। इन आवर पार्टी द इलेक्शन कमिटी इज देयर, दे टेक डिसीजन, ए सिंगल पर्सन डजंट टेक डिसीजन। So as and when the decision will be taken, it will be provided to you. At that time we are in Gathbandhan. Coalition government is running there. Right now we are in coalition government. As and when any decision will be taken by the party committee, it will be informed to Nagaland press. हमारी जो गठबंधन की सरकार है वो बहुत अच्छा काम किया है, जनहित का काम किया है, बहुत अच्छा काम कर रही है। Our government in coalition government, they are doing very good and they are doing in public service, so which is very satisfactory to the party. भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां भी डबल इंजन की सरकारें हैं, जैसे यहां भी डबल इंजन की सरकार है, वन इंजन इज मोदी जी इंजन एंड सेकेंड इंजन इज लोकल स्टेट गवर्नमेंट इंजन। विकास नीचे तक पहुंचता है, आम गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन होता है, तो इस नाते इस सरकार ने सोशल रिफॉर्म्स में बहुत बड़ा काम किया। द पार्टी हैज टेकन अ वेरी बिग स्टेप इन कोलिशन गवर्नमेंट फॉर सोशल रिफॉर्म्स एंड वेयर एवर बीजेपी हैज बीन इन कोलिशन गवर्नमेंट देयर द गवर्नमेंट हैज ट्राइड इट्स डन इट्स बेस्ट टू ब्रिंग डेवलपमेंट एंड सोशल रिफॉर्म्स। Yeah, last question. If there is any last question. One last question. Yeah, I have one question after that. Yes. Will you be meeting the Parliamentary Core Committee? I think on the first Parliamentary Core Committee. It is the meeting of State BJP's Core Committee, Organizational Core Committee. It is only a party organization core committee, not a parliamentary core committee. We have now these rumors, speculations about it's either the BJP either going with the NDF, I mean in Nagaland, or the NDBB. My question is simple. Given a choice, which party would you pick, NDF or the NDBB? ये निर्णय लेने का अधिकार केंद्रीय पार्टी का है और आपको अभी तो चुनाव में एक साल पड़ा है, हमें सरकार चला रहे हैं और बढ़िया सरकार चला रहे हैं, आप भी हमारी सरकार का सहयोग करें ताकि गरीब हित का काम हम कर सकें। धन्यवाद। दिस डिसीजन विल बी टेकन बाय सेंट्रल कमिटी एंड नाउ देयर इज स्टिल वन ईयर इज लेफ्ट। आवर गवर्नमेंट इज मोर इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग द पुअर, अपलिफ्टिंग द पुअर। गिवन द फैक्ट दैट बीजेपी इज हैविंग अ वेरी स्ट्रांग होल्ड इन द स्टेट,
So if there are any chances, or if candidates want to contest election through BJP, so do you think that the seat sharing will be changed and BJP will have problems? हमारे लिए नागालैंड का विकास, नागालैंड के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना महत्वपूर्ण है और हम उसमें काम कर रहे हैं। हम हमारे सामने एक बड़ा पिक्चर है नागालैंड को आगे लेके जाना। हम नागालैंड को आगे ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि भारत की तरक्की पूर्व उत्तर से है और पूर्व उत्तर में नागालैंड सबसे आगे है, उसको लेके आगे बढ़ना है।